तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों का बेनिफिशरी सही रहते हुए भी पीएम किसान योजना का पैसा उनको नहीं मिल रहा है, और बहुत ऐसे किसान हैं जिनका बेनिफिशरी को बार बार सही करते हैं फिर भी प्रॉब्लम उसका सही नहीं हो पा रहा है। तो वैसे किसानों का बेनिफिशरी स्टेटस देखते हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक नया अपडेट दिया गया है, तो उस अपडेट के माध्यम से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। वो अपडेट क्या है और इसमें क्या प्रॉब्लम सही करने के लिए नया नोटिस में वहाँ पर क्या बताया गया है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा, गूगल क्रोम में जाना होगा, जाने के बाद वहाँ पर एग्रीकल्चर लिखना होगा। तो हम गूगल क्रोम में चले जाते हैं। तो गूगल क्रोम में आने के बाद यहाँ पर लिखेंगे एग्रीकल्चर बिहार, जैसे आप यहाँ पर लिख के सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देख पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहाँ पर शो कर रहा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगला इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पर लिखा हुआ आवश्यक सूचना, तो यहाँ पर आपको क्या काम करने के लिए कहा गया तो यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर देख पा रहे क्या लिखा हुआ, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आगामी 14वीं किस्त का भुगतान आधार यू एनपीसीआई से लिंक खाते में किया जाना है। भारत सरकार ने लाभुक के बैंक खाते को आधार एवं एनपीसीआई लिंक है तो डाक विभाग को अधिकृत किया है, तो आप नज़दीकी डाकघर से संपर्क कर अविलंब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में नया डीबीटी एनेबल खाता खुलवाए, अन्यथा आप आगामी किस्त से वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिनका बेनिफिशरी स्टेटस में बार बार आधार एनपीसीआई कहते हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम उसका सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में आपको क्या काम करना होगा, आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवा दीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो नोटिस अभी जो दिया गया है, पहले यहाँ पर नोटिस नहीं दिया गया था, और यहाँ पर 14वीं किस्त को लेकर यहाँ पर बताया गया कि 14वीं किस्त का भुगतान चाहते हैं तो आपको क्या काम करना होगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाना होगा, तभी आपको पीएम किसान योजना का पैसा आपको मिल पाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त के लिए लाभुकों को ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है, अन्यथा योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। लाभुक ई-केवाईसी सत्यापन एवं स्वयं पीएम किसान पोर्टल से अपने आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से कर सकते हैं, या पीएम किसान जीओआई ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करने के उपरांत अपना एवं 10 अन्य लाभुकों का ई-केवाईसी कर सकते हैं, यह अपने नज़दीकी सीएससी सुविधा केंद्र से बायोमेट्रिक तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल ऐप जो डाउनलोड करेंगे, मोबाइल ऐप के माध्यम से अगर फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे तो वहाँ पर आपका भी होगा और 10 अन्य लाभुकों का भी आप कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी नहीं हो पा रहा तो आपको क्या काम करना होगा, सीएससी सेंटर या वसुधा केंद्र जाकर वहाँ पर अपना फिंगर देके ई-केवाईसी कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आगामी किस्त अगर आप चाहते हैं तो आपको आधार एनपीसीआई करना बहुत जरूरी है। अगर आपका एनपीसीआई के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल लीजिए, उसमें आपका आधार एनपीसीआई कर लीजिए, उसके बाद आपका पीएम किसान योजना का पैसा आने का प्रोसेस चालू हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो को देखकर आप आसानी से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, उसके बाद डीबीटी एनेबल कर सकते हैं। जितने भी किसानों का बेनिफिशरी स्टेटस में प्रॉब्लम आ रहा है वो अपना प्रॉब्लम जल्द से जल्द सही करवा ले, अन्यथा आपको पीएम किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। तो वीडियो का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।